हेलो दोस्तों। आज वन प्लस एट प्रो अमेज़न पे ऑफिशियली लॉन्च हुआ। आप अमेज़न पे जा कर के वन प्लस एट प्रो को इसलिए ख़रीद सकते हैं। मैं इसकी वेबसाइट पे गया हूँ वन प्लस एट प्रो को, और एक क्विक ओपिनियन है मेरी तरफ से, या रिव्यू भी कह सकते हैं वन प्लस एट प्रो के लिए। और जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि वाई आई हेट वन प्लस एट प्रो, मुझे इससे नफ़रत क्यों है। तो अगर हम इसके पेज पे जाते हैं तो इससे नफरत करने का एकमात्र कारण है, वो है इसका प्राइस, 5499। 55,000 का ये फाइन 55,000 का वन प्लस एट प्रो। मैं वन प्लस सिक्स अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वन प्लस फाइव, 5T, 6, ये तीन फ़ोन कंटिन्यूस यूज़ किए, और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड था वन प्लस से। और वन प्लस सिक्स के टाइम पर तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी लाइफ में कभी भी कोई फ़ोन लेना होगा तो वन प्लस का ही लूँगा। लेकिन वन प्लस सेवन, 7 प्रो, 7T, वन प्लस एट प्रो, ये ऐसे फ़ोन हैं जो 50,000 एंड अबव के हैं। ये मैंगो पीपल के किस लिए काम आएंगे? आप 55,000 रुपीज़ में आज की डेट में क्या खरीद सकते हैं? 55,000 रुपीज़ में एक मैंगो पीपल फ़ोन लेने की जगह पर बाइक लेना पसंद करेगा। 55,000 एक मैंगो पीपल की सैलरी भी नहीं होती। तो 55,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और अब मुझे वन प्लस जो है वो छोड़ना पड़ा, बिकॉज़ ये अमाउंट जो है वो मैं बेयर नहीं कर सकता। मैं वेट कर रहा हूँ कि वन प्लस जेड लॉन्च हो, लेकिन फिर वो फ्लैगशिप किलर है नहीं, ये भी फ्लैगशिप किलर नहीं रहा। क्योंकि फ्लैगशिप किलर तब होता जब यही फ़ोन जो है वो 54 की जगह पे 34, अराउंड 30,000 के आसपास रहता था, 30 to 40 के बीच में रहता था। तो डेफिनेटली ये जो फ़ोन है वो फ्लैगशिप किलर होता। अब तो ये खुद फ्लैगशिप बन गया है। कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है। ये 55,000 के प्राइस को भी जस्टिफाई करता है समहाउ, लेकिन अब ये मेरे बजट में नहीं है। मैं वन प्लस के आने वाले जो फ़ोन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो भाई यार ये फ़ोन मेरे किसी काम का नहीं। एंड आई गेस एक आम आदमी के काम का ये फ़ोन अब नहीं रहा। अब ये थोड़ा हायर एंड लोगों के लिए हो गया, जो कि सैमसंग के फ़ोन या आईफोन्स के जो न्यू मॉडल्स हैं उनका अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फ़ोन जो है वो हम बेयर नहीं कर सकते। स्टिल मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, आप मैंगो पीपल नहीं, आप खास आदमी हैं, तो ये फ़ोन आप ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से अभी भी प्रेफरेबल फ़ोन सैमसंग का गैलेक्सी S20 अल्ट्रा और आईफोन है, जो हायर एंड के फ़ोन हैं जो इसके डबल प्राइस के हैं। बट स्टिल वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक अल्टरनेट दिखाना चाहूँगा जिस पे मेरी नज़र है, जो मैं शायद जल्द प्लान करूँ लेने के लिए, लेकिन वन प्लस एट प्रो नहीं लूँगा। तो सबसे पहले तो हम गो थ्रू कर लेते हैं वन प्लस एट प्रो का जो स्पेसिफिकेशन है, जो डिटेल्स है जो इन्होंने दी हुई है, फिर इसको कंपेयर करते हैं उन फोन से जो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से फ्लैगशिप किलर बन चुके हैं। तो वन प्लस एट प्रो की वेबसाइट पे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता जाता हूँ, और आपको समझ में आता जाएगा कि ये 55,000 का जो प्राइस है जस्टिफाई कैसे करता है। सबसे पहले तो हम आते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें 120 Hz इन्होंने फ्लिप डिस्प्ले दे दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करता है। और भी फ़ोन्स हैं जो 120 Hz और 90 Hz दे रहे हैं, इनफैक्ट बजट फ़ोन भी 90 Hz दे रहे हैं। 120 Hz जो है वो कमाल का जो परफॉर्मेंस है वो देता है, जिसकी वजह से स्मूथनेस जो स्क्रीन की है वो गेम्स से लेकर के दूसरे फंक्शंस में भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये 120 Hz जो है, आई विश कि आने वाले समय में हमें थोड़े लो बजट फ़ोन जो 15 to 20,000 में है वहाँ पर भी देखने के लिए मिले। अदरवाइज़ ये फ़ोन में बहुत अच्छी चीज़ है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है जो 5G के साथ आता है। आई गेस हमें 5G के बारे में अभी तो उतना नहीं सोचना चाहिए, शायद एक साल लगभग और लग जाएगा 5G को हमारी लाइफ में इफेक्ट लाने के लिए। तब तक के लिए हम 865 जो फंक्शन है उस पर सोचते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पैक तो रहता ही है। दूसरा मल्टीटास्किंग हो गया या बैटरी पावर सेविंग्स एंड ऑल में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। वन प्लस ने एक कमाल की चीज़ जो लॉन्च कर डाली है अब, जो इससे पहले किसी भी फ़ोन में नहीं थी वन प्लस की, वो है वायरलेस चार्जिंग। उनका जो बैग था वो, चाहे वो ग्लास बैग हो, प्लास्टिक बैग हो,
कोई भी बैक हो, उन्होंने वायरलेस चार्जिंग अभी तक नहीं दी थी, अब उन्होंने सिर्फ वायरलेस चार्जिंग नहीं दी है, उन्होंने वॉप चार्जर 30 भी दिया है। इट मीन्स कि जो चार्जिंग वायरलेस से भी होगी वो भी 30 mAh के स्पीड से होगी, जिसकी वजह से मेरे मेरे हिसाब से 1 घंटा या 1 घंटे 10 मिनट में फ़ोन जो है फुली चार्ज हो जाएगा। 48 MP का क्वाड का कैमरा है, क्वाड कैमरा इसका नॉर्मल कैम जो नॉर्मल फ़ोन के कैमरा है उससे बेटर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम उस पर भी करेंगे। फ़ोन दिखने में बहुत कमाल लगता है, कर्व्ड ग्लास के साथ आता है और उसमें भी इन्होंने इम्प्रूव किया है। अगर आप मोटो एच प्लस जो देखेंगे ना, तो उसमें कर्व डिस्प्ले तो है लेकिन वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, वो फंक्शनल नहीं है, साइड में टच हो जाता है तो कुछ और एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, डिस्टर्बिंग टाइप का है। बट इस पे वन प्लस ने काफ़ी रिसर्च के बाद बहुत अच्छा डेवलपमेंट लाया कि कर्व जो डिस्प्ले है वो दिखने में भी इसको प्रीमियम लुक देता ही देता है, फंक्शनल भी है साइड के बार्स वगैरह, और डिस्टर्बिंग बिल्कुल नहीं है। तो 120 Hz का डिस्प्ले और वो भी कमाल के कर्व के साथ बहुत अच्छा लगता है। क्वाड एचडी डिस्प्ले है, तो इसे आई गेस इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले के मामले में मैं कभी पहले भी वन प्लस से अनसेटिस्फाइड नहीं रहा, अभी भी मैं समझता हूँ कि वन प्लस बहुत सुपीरियर डिस्प्ले देता है। 120 Hz जो डिस्प्ले को गजब कर देता है। बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि अगर फ़ोन लेना है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डिस्प्ले में ये चेक करते जाइए कि वो 90 Hz या 120 Hz है कि नहीं। अगर ये मिल जाता है आपको आपके फ़ोन में तो आप बहुत खुश रहेंगे। वन ट्वेंटी एफ पी एस का इन्होंने सपोर्ट दिया है, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये आप 60 FPS के अंदर रखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। एट सिक्सटी फाइव का प्रोसेसर है जिसमें आप देख सकते हैं कि 25% मोर पावरफुल है, सो ग्रेट। ये हम कोशिश करें कि अगर हमारे पास थोड़ा बजट है तो जो भी प्रीमियम प्रोसेसर हैं हम उसके लिए ही जाएं, जो भी टाइम टू टाइम आता है, चाहे 865 हो या इससे पहले जो 855 था, 845 जो मेरे फ़ोन में है सैमसंग वन प्लस 6 में। इवन दो मेरा फ़ोन 2 साल पुराना है, जो मैन्युफैक्चर हुआ था तो उससे 1 साल और पहले हुआ था, तो अभी आज भी मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे मैं पबजी खेल रहा हूँ या फिर दूसरे मल्टी फंक्शंस कर रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ साथ इन्होंने जो रैम के जो टाइप जो बताए हैं, यस ये अगर मिलते हैं आपको, स्पेशली जो मेमोरी जो स्टोरेज है वो अगर UFS 3.0 3.1 मिल जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस और कमाल की हो जाती है। ये स्पेशली वर्क करते हैं जब आप वीडियो रिकॉर्ड या फिर फोटोज़ ले रहे हैं, तो ये आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इसको इतना इन्हेंस कर देंगे कि जो फोकस का टाइम है या क्लिक करने के बाद दूसरी साइमल्टेनियसली क्लिक करने हैं तो उसमें जो आपका टाइम है वो काफ़ी बच जाता है, वो हमें ऐसे नज़र नहीं आता, लेकिन कभी कभार आप जब दूसरे फ़ोन में देखोगे कि वो अटक रहे हैं तब आप मे भी शायद वो एक क्लिक कर रहे हो, आप 3 क्लिक कर चुके हो, तो ये स्टोरेज का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 5G मॉडम है, वाईफाई 6 इन्होंने दे दिया है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आपको काफ़ी मिल जाती है। ये भी टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे अडाप्ट हो रही है, और स्मार्ट 5G तो है ही, आई होप इंडिया में ये नेक्स्ट ईयर 2021 तक आ जाए। गेमिंग के लिए इन्होंने एक फनेटिक मोड जो है वो दे दिया है, खैर ये तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर बूस्ट ही है, तो नॉट अ बिग डील, बट स्टिल वन प्लस के जो गेम मोड है वो काफ़ी गजब के हैं। सी इन्होंने चार्ज फास्ट दे करके रखा है, या चार्ज विथ रैप चार्ज 30T एंड रैप चार्ज 30 वायरलेस। सो वन प्लस जब मैंने लिया था 5, तब से मैं मेन जो फंक्शन था वो इनका जो चार्जिंग था वो था, और वो देख करके मैं आज भी अमेज हो जाता हूँ कि जहाँ पे घर में मेरे दूसरे फ़ोन्स को चार्ज होने में 2, 2.5, 3 घंटे लग जाते हैं, मेरा फ़ोन मैं प्लग इन करता हूँ एंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स में वो वर्केबल कंडीशन में होता है, मैं उसको निकालता हूँ और अपने बेसिक कोई भी काम होते हैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यस, ये जो चीज़ थी जो वन प्लस ने लाई, और आज आप देख सकते हो कि दूसरे फ़ोन में 60 वॉट्स वगैरह के भी हैं, खासकर रियलमी के फ़ोन में, वो मुझे अमेज करते हैं। एंड डिस्प्ले में आपको बताऊंगा कि मैं दूसरे फ़ोन में क्यों शिफ्ट करना चाहता हूँ। ये कैमरा का सेटअप है, 4 कैमरा है इसमें, जो कलर एडजस्ट करने वाला कैमरा है उसमें इन्होंने एप्लीकेशन वाइज थोड़े चेंजेस करके
इसका वो फंक्शन बंद कर दिया, जिसकी वजह से आप अभी भी देख सकते हो कि इन्होंने थोड़ा सा एक्सरे टाइप का जो विजुअल दिया है, ये एक्सरे टाइप का विजुअल नॉर्मली लोगों के साथ हो जाता था कि उनकी पॉकेट में क्या है या उनके ड्रेस के अंदर का क्या कलर है या चीज़ों के पीछे जो कलर है वो कलर फिल्टर करके एक एक कृत्रिम एक थोड़ा सा इमेजिनेशन टाइप की एक इमेज रेडी कर देता था, जिससे पता चल जाता था कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ छुपी हुई है। हालांकि वो अब जो है वो कैमरास के पीछे बंद कर दिया है। आई होप कि जो इंडिया हमें वो भी देखने को मिले, वो देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको भेजूंगा आगे कई किसी वीडियो में उसके बारे में भी इन डेप्थ हम बात करेंगे। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल हाइब्रिड जूम कैमरा, इट मीन्स कि चाहे वो आप इसमें 3x का एक टेलीस्कोपिक जूम है और एक समझ लीजिए कि एक बेसिक कैमरा हो गया, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा हो गया, एक मैक्रो कैमरा हो गया, तो मैक्रो कैमरा से लेकर के आपका 3x ऑप्टिकल जूम के हाइएस्ट रेजोल्यूशन तक पहुँचते पहुँचते वो 8 मेगापिक्सल का एक हाइब्रिड जूम बनाता है। और उसके बाद 30x डिजिटल जूम, मतलब कि उसी को थोड़ा और इन्हेंस करके 48 मेगापिक्सल को क्रॉप करते 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 वो 30x का डिजिटल जूम कर देता है। तो हम 30x डिजिटल जूम के पीछे नहीं जाएंगे, हम समझते ये हैं कि हमें 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है और उसके बाद उसमें इन्हेंसमेंट मिलता है 10x डिजिटल जूम का। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मिल जाती है। 128 डिग्री का एक वाइड एंगल कैमरा है, उसकी भी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, मेन कैमरे की भी क्लियरिटी अच्छी है। स्टिल कैमरे के मोड्स में मैं समझता हूँ कि जो सबसे अच्छा कैमरा है वो है गूगल पिक्सल का एंड एप्पल आईफोन का। अगर आपको कभी भी कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेने हैं तो यही दो हैं। एंड्रॉयड में अगर आपको जाना है और स्पेशली आपको सिर्फ फोटोग्राफ्स के लिए जाना है तो आप गूगल पिक्सल्स में जा सकते हैं और दूसरा एप्पल के फ़ोन्स में जा सकते हैं। मैं एप्पल के फ़ोन्स को कभी प्रेफर नहीं करता, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मुझे उसमें लगते हैं। स्टिल गूगल पिक्सल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और एप्पल के जो आईफोन्स हैं वो अमेजिंग ऑप्शन है कैमराज के लिए। ये आपको जो फोटो क्रोम फिल्टर दिया है इसमें आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने कलर फिल्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो जो है वो अभी बंद ही कर दिया है, तो ये कोई सेंस रखता ही नहीं है। सो ये कैमरा है जो काफ़ी अमेजिंग है। यस, OnePlus के कैमरास भी काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो फ्लैगशिप किलर हैं। आई गेस दैट्स इट। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है एंड यस ये भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है और ये उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है 55,000 का। मैं सिर्फ इसको इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि अब भाई मैं OnePlus 8 नहीं ले सकता, सॉरी OnePlus 8 Pro नहीं ले सकता। इवन OnePlus 8 भी कोई सस्ता नहीं है, वो भी 48,000 के आसपास आता है, तो अब OnePlus मुझे छोड़ना पड़ेगा। स्प्लैश रेजिस्टेंस है। एक और चीज़ जो अभी OnePlus 8 Pro में जो उन्होंने ऐड कर दिया है वो है IP68 रेटिंग। पहले इसमें हमें स्प्लैश रेजिस्टेंस मिलता था बट उनकी कोई रेटिंग नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने ये भी डाल दी है। तो जो भी एक फ्लैगशिप फ़ोन में होता है वो सारी फीचर इसमें है और प्राइस भी जो फ्लैगशिप फ़ोन का है वो इसमें है। आप LG के फ़ोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको सेम रेट में ही पड़ेंगे। सो ये रहा OnePlus 8 Pro सारे फीचर्स के साथ। अब मेरे वो दो और फ़ोन जो मैं अल्टरनेटिव का समझ करके चलता हूँ और शायद आने वाले टाइम में मैं उन्हीं दो फ़ोन्स को लूँगा, सॉरी उन दोनों फ़ोन में से कोई एक ही ले पाऊँगा, दो फ़ोन ले पाता तो मैं OnePlus 8 Pro ही ले लेता था। तो ये हैं वो दो फ़ोन जिनके बारे में मैं प्लान कर रहा हूँ जो OnePlus 8 के अल्टरनेट हैं। एक है Vivo का IQ3 और मुझे पता नहीं 2 और 1 कौन से थे, बट Vivo का IQ3 और दूसरा है Realme X50 Pro Player। Pro Player अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है शायद, बट मैं इसका वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर है और एक डे टू डे लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर डॉलर के हिसाब से आप प्राइस डिफरेंस देखें तो OnePlus यहाँ पे $768.3 का है जो हमें 55,000 का अभी दिख रहा है, वहाँ पे ये $500 से कम का है। इट मीन्स कि ये जो है ये 35,000 के आसपास ही रहेगा। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग देखें तो सबसे बड़ा जो फ़र्क आता है वो ये कि OnePlus जो है आपका वाटर रेजिस्टेंट है
जो उन्होंने जिसके लिए उन्होंने IP68 का सर्टिफिकेशन लिया, वो ना 20,000 रुपये महंगा भी है, फीचर्स दे रहा है, लेकिन वो 20,000 का डिफरेंस जो है वो बहुत फ़र्क लेके आता है। देन आता है रियलमी X50 में 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, इसमें 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, और IQ में 60 हर्ट्ज़ का ही है, बट उन्होंने जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफ़ी बढ़ा दी है, 800 निट्स की ब्राइटनेस लेवल है, जिसकी वजह से क्लैरिटी काफ़ी अच्छी लगती है। तीनों ही एंड्रॉयड 10 के साथ आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वन प्लस में जो अपडेशन है वो जल्दी जल्दी आएगा एज़ कम्पेयर टू दोनों फ़ोन के। सी IQ में UFS 3.1 है, वन प्लस में UFS 3 है, और रियलमी में भी UFS 3.1 है। मैं IQ के लिए इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि ये गेम सेंट्रिक फ़ोन बन जाता है, लेकिन फिर रियलमी के खुद के जो क्वालिटीज़ हैं वो भी जो हैं वो किस लिए आगे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे फेल होता है वो होता है IQ की जो कैमरे की क्लियरिटी है। अगर मैं स्पेक्स वाइज देखूँ तो लगभग सेम मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो कैमरे की एक्चुअल जो क्लियरिटी है वो वन प्लस की जो है वो सुपीरियर है इन दोनों फ़ोन के मुकाबले। और स्टिल शायद मैं यहाँ पे IQ या रियलमी X50 प्रो प्लेयर जो है इन दोनों में से मैं कोई एक फ़ोन पसंद करूँगा। तो तब तक के लिए मैं IQ के लिए ही प्लान कर रहा हूँ कि IQ जो है वो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बेटर फ़ोन रहेगा मेरे लिए। वन प्लस में आपको जो एडवांटेज मिल जाता है वो ये कि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि इनमें नहीं है, IQ या रियलमी में नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो थोड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है, और वन प्लस में वो सुपीरियर हो जाती है। रियलमी में आपको एडवांटेज ये होता है कि आपको फ्रंट में ड्यूल कैमरा मिलते हैं, सेल्फी गजब आती है, मैं सेल्फी का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एक चॉइस है, आपको एक वाइड एंगल जो है वो भी आपको इसमें ज़्यादा मिल जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी हैं रियलमी की वन प्लस के और इसके मुकाबले IQ के मुकाबले। नाउ एक जो बेस्ट चीज़ है जिसकी वजह से मैं IQ के लिए थोड़ा सा और झुक जाता हूँ, वो आता है इसका 3.5 mm जैक। यस, मैं अभी भी ट्रेडिशनल ईयरफोन यूज़ करता हूँ, एंड मेरे हिसाब से अभी भी कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन इतने स्ट्रांग नहीं बने हैं जो कि लैग ना करते हों, जो एक जो डिफरेंस आता है वो ना लाते हो, उनकी लेटेंसी जो होती है वो कम से कम है, लेकिन 3.5 mm जो जैक हैं वो अमेज्ड कर देते हैं ड्यूरिंग गेम। सो गेम के टाइम पे ये चीज़ का जो फीचर है 3.5 mm का वो मुझे अमेज करता है। सो इसलिए IQ मुझे बहुत पसंद आ रहा है दोनों फ़ोन के मुकाबले। 20,000 का डिफरेंस है, 3.5 mm का जैक है, कैमरा जो है वो थोड़ा सा बेटर है रियलमी के मुकाबले, UFS 3.1 का सपोर्ट है, जो फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट है, और गेम्स में तो ये गजब करता ही है। अब थोड़ी सी डिटेल्स के लिए और चले जाते हैं। NFC यस इंडिया में मिल जाता है, NFC सब में है। अगर इंफ्रारेड पोर्ट की बात करें तो आई गेस MI को छोड़ करके कोई भी इंफ्रारेड पोर्ट अभी नहीं दे रहा है, तो इन तीनों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वन प्लस की वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने 3.1 टाइप सी दिया हुआ है, जबकि दोनों में ही 2.0 का चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप सी कनेक्टर है तीनों में, सेंसर्स जो हैं वो लगभग लगभग सेम है, बैटरी लाइफ जो है वो वन प्लस की थोड़ी सी ज़्यादा है, 30 वॉट का उन्होंने वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है, लेकिन रियलमी की चार्जिंग देखिए फास्ट चार्जिंग है 65 वॉट्स की, एंड IQ की जो चार्जिंग है वो 55 वॉट्स की। सो ये जो फोन्स हैं ये 0 to 100% जो हैं अराउंड 35 to 40 मिनट्स में हो जाते हैं, जबकि वन प्लस का जो फ़ोन है ये रफली आप समझ करके चलिए 1 hour 10 minutes के करीब चार्ज होगा। सो ये जो चीज़ है 30 to 35 मिनट्स में चार्ज हो जाने का कमाल जो है वो IQ को और रियलमी को थोड़ा सा और बेटर करता है, थोड़ा सा, ओके। जबकि वन प्लस में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है और रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाता है कि अगर मेरे पास ब्लूटूथ ईयरफोन है जो कि वायरलेसली चार्ज होते हैं तो मैं उनको चार्ज कर सकता हूँ, बहुत स्लो होते हैं बट स्टिल ब्लूटूथ ईयरफोन के लिए वो कमाल कर देते हैं। सबके अपने अपने कलर्स हैं, वॉल्केनो ऑरेंज, टोर्नेडो ब्लैक, ग्रेशल ग्रीन, और इसमें लाइट स्पीड सिल्वर वगैरह, सो सबके अपने अपने चॉइसेस हैं, कलर्स हैं,
तो आप उनके हिसाब से जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वन प्लस एट प्रो मैं लूँगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे लिए वन प्लस की इज्जत किस लिए ज़्यादा है, वो है इसका इंटरफेस। जो इंटरफेस वन प्लस यूज़ करता है वो कैरी करता है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वर्जन गूगल का। सो जो आपको एंड्रॉयड वन के डिवाइस में, पिक्सल डिवाइस में जो दिखता है, ऑलमोस्ट सेम वर्जन आपको वन प्लस में दिखता है, जिसकी वजह से ये यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। वीवो के फ़ोन और रियलमी का फ़ोन का प्रॉब्लम यही है कि इनके खुद के एंड्रॉयड बेस्ड ही वर्जन्स हैं, लेकिन इनका खुद का जो ये है एप्लीकेशन है वो इन्होंने थोड़ा कॉपी किया है कि वो एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए लेकिन आईफोन जैसा दिखना चाहिए। दो और दोनों में प्रॉब्लम ये है कि जो IQ है और रियलमी है, दोनों के ही जो वर्जन है अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि उन्होंने एंड्रॉयड के साथ साथ में एप्पल का भी टच डालने की कोशिश की है। जबकि ऑक्सीजन OS जो है, आप पुराने से पुराना जो फ़ोन है वन प्लस का वो भी उठा के देख लोगे तो वो और आज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो, इनमें जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो लगभग सेम दिखता है, किसी को भी शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सुपियोरिटी लेके आती है, इसकी वजह से इन्हें अपडेशन भी बहुत जल्दी मिलता है, इसकी वजह से ये यूज़र फ्रेंडली भी है, और इसकी वजह से इसमें कस्टमाइजेशन जो होता है वो इतना मिनिमल फिर भी इतना वर्केबल होता है कि आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, फ़ोन लैग नहीं करता किसी चीज़ में। सो मेरे हिसाब से जो इंटरफेस है वो वन प्लस का है, और इसके यही कारण है कि मैं अभी भी वन प्लस जेड जो शायद 760 या 730 इस प्रोसेसर का आएगा उसके बारे में एक बार सोच रहा हूँ। बाकी की स्पेसिफिकेशन और उसका प्राइस पॉइंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन तब तक मैं शायद IQ के लिए जाऊँगा, मैं शायद जो इंटरफेस है उससे एडजस्ट कर लूँगा, मैं शायद जो प्रीमियम क्वालिटी है उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। आफ्टर ऑल एक आम आदमी क्या करता है, एक आम आदमी एडजस्ट करता है। हम जब इतने रिच हो जाएंगे कि 55,000 पे करते वक्त हम ये सोचने के लिए नहीं बैठे हैं कि ये 55,000 में कहीं इन्वेस्ट कर सकता था, बाइक खरीद सकता था या और कुछ कर सकता था, तब शायद मैं वन प्लस एट प्रो ले लूँ। लेकिन तब तक के लिए मेरे लिए जो मेरा प्रीमियम फ़ोन है वो वीवो है। जब भी आएगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, एंड रियलमी X50 प्रो प्लेयर भी जो है वो भी मेरी कंसिडरेशन में। इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये कि इसका लुक बहुत अच्छा है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये उसमें बहुत अमेज करता है। तब तक ये समझ लीजिए कि इस वक्त परचेस करने के हिसाब से वीवो IQ 3 5G जो है ये मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, देन रियलमी X50 प्रो है, वन प्लस 8 प्रो लॉटरी लगेगी तो थर्ड प्रेफर करूँगा, अदरवाइज अभी तो मैं वन प्लस 8 नहीं ले सकता, सॉरी वन प्लस बाय बाय। एंड आई होप कि आने वाले टाइम पे आप वही प्राइस पॉइंट जो है 30-40 के बीच वाला, वहाँ पे कुछ हमें ऐसा दे पाओ जो कि फ्लैगशिप किलर ही सही बट अफोर्डेबल हो, जिसे हम सिर्फ देखें ना, जिसे हम ले पाएँ। तब तक के लिए मैंगो पीपल, गुड बाय, टेक केयर।